हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड नॉलेज विथ रुपेश पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज क्या है, इन सबों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे पिछले की वीडियो में कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के प्रकार के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले की वीडियो नहीं देखे है तो प्लेलिस्ट में है, जाकर अवश्य देख ले। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। इनपुट या आउटपुट, इनपुट डिवाइस डेटा और प्रोग्राम का अनुवाद करता है, जिनको मनुष्य उस रूप में समझ सकता है जिसमें कंप्यूटर अपना काम कर सकता है, अपना प्रक्रिया कर सकता है। सबसे आम इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस होते हैं। पहला है जैसे कीबोर्ड, तो चलिए कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड, द कीबोर्ड इज़ द बेसिक डिवाइस थ्रू विच यू इनपुट इंफॉर्मेशन इनटू द सिस्टम। कीबोर्ड जो है एक बेसिक डिवाइस है जिसके द्वारा इनपुट को सूचना इनपुट के द्वारा जिसके द्वारा कीबोर्ड डेस्कटॉप में लगा रहता है। कीबोर्ड डेस्कटॉप कीबोर्ड का इस्तेमाल करने से वर्क करने में आसान हो जाता है। लैपटॉप में कीबोर्ड उसी के अंदर रहता है। थ्रू मेनी अदर्स फॉर्म ऑफ इनपुटिंग डिवाइस हैव कम आउट इन द मार्केट। कीबोर्ड के जैसा बहुत सारे डिवाइस मार्केट में उपलब्ध है। टुडे देयर इज नथिंग इक्विवेलेंट टू द कीबोर्ड। यूजिंग द कीबोर्ड इज इजी बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव क्वालिटी टाइपराइटर सेटअप इन एडिशन टू द टाइपिंग कीज। द कीबोर्ड आल्सो हैज ए न्यूमेरिक कीबोर्ड थ्रू विच यू कैन इनपुट नंबर्स। इट हैज कंट्रोल कीज लाइक होम पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, डिलीट, इंड, कंट्रोल, अल्टरनेट एंड स्केप, जिसे ESC कहा जाता है। दैट लेट यू कैरी आउट दिस सिंपल टास्क विथ जस्ट वन क्लिक। कीबोर्ड के द्वारा वन क्लिक में अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अगला है माउस, तो चलिए माउस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला इनपुट डिवाइस है माउस। ये माउस डेस्कटॉप में लगा रहता है लेकिन लैपटॉप में नहीं रहता है, उसी में सेटिंग रहता है। आप अपने उंगली से उपयोग कर सकते हैं या अलग से लगा भी सकते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है। ए माउस इज हैंडल्ड पॉइंटिंग डिवाइस द कंप्यूटर्स। माउस जो है कंप्यूटर एक डिवाइसेस है जो हैंडल करता है कंप्यूटर को। इन्वॉल्विंग ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा करने में, फिट करने में, विथ वन एक या अधिक बटन्स एंड शाफ्ट टू सिट नेचुरली अंडर द हैंड। ये माउस हाथ के द्वारा काम किया जाता है। इसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में रहता है एक बटन जिसे आगे पीछे होता है। मोर बटन्स एंड शाफ्ट सिट नेचुरली अंडर द हैंड। द
अंदर साइड टू द माउस हाउसेज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट्स द माउस मोशन रिलेटिव टू द फ्लैट सरफेस ऑन विच इट सिट्स द माउस टू डी मोशन इज टाइपिकली ट्रांसलेटेड इंटू मोशन ऑफ ए कर्सर ऑन द डिस्प्ले मोशन माउस और कीबोर्ड के द्वारा डेस्कटॉप में काम करने में आसान हो जाता है। माउस से एक बार में ढेर सारे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, छोटे छोटे को बड़े बड़े कर सकते हैं। तो ये है इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस। अगला है इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। दिस इज बेसिकली ए माउस। यह मौसी के जैसा होता है। लाइपिंग ऑन इट्स बैक टू मूव द पॉइंटर यू रोटेट द बॉल विथ योर थंब। यह हाथ के द्वारा थंब के द्वारा इसे आप रोटेट भी कर सकते हैं। योर फिंगर्स उंगली के द्वारा भी और द पैलम ऑफ योर हैंड। देर आर यूजली 1-3 बटन्स। इसमें ज़्यादातर यूज किया जाता है 1-3 बटन्स। नेक्स्ट टू द बॉल विच यू आर यूज जस्ट लाइक माउस बटन्स। इसका जो बटन लगा रहता है माउस के जैसे वर्क करता है। अगला इनपुट डिवाइस है जॉय स्टिक। तो चलिए जॉय स्टिक के बारे में जानते हैं। अगला इनपुट डिवाइस है जॉय स्टिक। दिस इज ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस स्पेशली हेल्पफुल व्हेन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। आप जब कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं उन सब में ये जॉयस्टिक बहुत ही मदद करता है गेम्स को खेलने में। इसे आसान हो जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए हैंडल। इसे अच्छा से हैंडल होता है डैट कैन बी पॉइंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसे डिफरेंट डायरेक्शन में हम गेम खेल सकते हैं। बिकॉज द कंप्यूटर कैन सेंस विच डायरेक्शन टू जॉयस्टिक इज पॉइंटेड इट कैन बी यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जॉयस्टिक से गेम खेलना कंप्यूटर वाला गेम आसान हो जाता है। इसे खेलने में काफ़ी सुविधाजनक मिलता है। अगला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। ऊपर में जो पिक्चर दिख रहे हैं वह जॉय स्टिक है। अगला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। ए स्कैनर इज एन एक्सटर्नल डिवाइस। यह एक्सटर्नल डिवाइस है। इसका उपयोग डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर में डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। द डाटा कैन इंक्लूड फोटोग्राफ्स बुक पेज एंड अदर इमेज ऑलरेडी ऑन ए पीस ऑफ पेपर। द स्कैनर इज लाइक ए कॉपी मशीन। यह एक कॉपी मशीन जैसा होता है। बट इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द आइटम ऑन ए पीस ऑफ ए पेपर द डिजिटल इमेज गेट्स प्लेस्ड ऑन द कंप्यूटर्स स्क्रीन। आइटम्स आर स्कैन्ड ट्रांसमिटेड फ्रॉम द स्कैनर ऑफ द कंप्यूटर। तो ये है स्कैनर। यह डाटा को कंप्यूटर में डाटा को रिकॉर्ड करके रखता है। यह प्रिंटर के जैसा होता है। तो आज की वीडियो में मैंने इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस की। नेक्स्ट की वीडियो में आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके एग्जांपल के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। आप हमारी वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लें। थैंक्स। आपका समय शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले
और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले। थैंक्स।